दोस्तों, क्या आप इंड मनी ऐप से अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि इंड मनी ऐप से हम अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं? अगर आप भी इंड मनी ऐप से अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं बिल्कुल ही आसान तरीकों से, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इंड मनी ऐप को इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा जिस तरीके से मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे आपका प्रोफाइल दिखाई देगा, हो सकता है आपका फोटो लगा हो, इसी प्रोफाइल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके आपको सबसे नीचे चले आइएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेटिंग करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग पे क्लिक कर लीजिएगा। सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके आपके सामने कुछ इस तरीके दिखाई देगा, ऊपर आपको एक्शन रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है, प्लीज क्लोज द अकाउंट मेंशन बिलो बिफोर डिलीटिंग योर इंड मनी अकाउंट। इंड मनी अकाउंट को डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पे जो मेंशन कर लीजिए, जैसे आपका हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, हो गया इंडियन स्टॉक, हो गया म्यूचुअल फंड, हो गया, इसे आपको सबसे पहले डीएक्टिवेट करना होगा। अगर आपका इंड मनी ऐप में भाई कोई मनी होगा, जैसे मान लीजिए कि आप पैसा कोई ऐड किए हैं, वो पैसा फंड वगैरह निकाल लीजिएगा तभी आप डिलीट करिएगा, तभी आपका डिलीट भी होगा। आप इस तरीके से डिलीट करने के लिए आपको जैसे फिक्स डिपोजिट को डीएक्टिवेट करने के लिए फिक्स डिपोजिट सामने जो डीएक्टिवेट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है डिलीट, नीचे डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके जो दिखाई दे रहा है इंडियन स्टॉक आपको डीएक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। उसके जो दिखाई दे रहा है ई साइन एंड क्लोज आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके जो दिखाई दे रहा है ई साइन नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके आपको सामने इस तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से हमारे सामने दिखाई दे रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है साइन नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। साइन नाउ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है आई हैव रीड आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर और 16 डिजिट वर्चुअल आईडी आपको यहाँ अपने आधार नंबर को इंटर कर देना है। उससे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें 6 अंक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी का आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर कर देने के बाद वेरीफाई साइन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेने के बाद आपके मोबाइल में 6 अंक का ओटीपी आएगा, उसे आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका 7 से 10 दिन में जो है इंडियन स्टॉक जो है आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते लिखा है योर अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड हो चुका है, और जो आपका 7 से 10 दिन में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद आपका जो है यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। आपको जो दिखाई दे रहा डन डन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके इस तरीके से आपको बैक हो जाना है। उसके दिखाई दे रहा म्यूचुअल फंड डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेट पे क्लिक कर लीजिए। उसके आपको यहाँ पे जो दिखाई दे क्लोज अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आपका जो फिक्स डिपॉजिट है इंडियन स्टॉक है 7 से 10 दिन में आपका जो है ये डिलीट हो जाएगा। जब ये डिलीट हो जाएगा तब आपको दोबारा यहाँ पे आ करके डिलीट माई अकाउंट पे जैसे क्लिक कर देंगे भाई, इंड मनी ऐप से आपका अकाउंट जो है हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इंड मनी ऐप से अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।